हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्लास आज की क्लास में हम इस चैप्टर सिक्स को जो हमने कल स्टार्ट किया था दैट इज़ एनाटॉमी ऑफ फ्लारिंग प्लांट्स इसमें हमने कुछ टॉपिक्स कल की क्लास में डिस्कस किए थे जिसमें कि हमने डिस्कस किए थे इसके आपके पैरनकाइमेट सेल्स कॉलनकाइमा एंड स्क्रिनकाइमा यानी कि हमने ग्राउंड टिश्यू डिस्कस किए थे एंड हमने मेरिस्मैटिक टिश्यूज डिस्कस किए हैं तो एक बार देखते हैं आपको क्या क्या पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं टिश्यू डिस्कस किया है कल हमने उसके बाद हमने डिस्कस किए हैं पॉमानेंट टिश्यू में हमने डिस्कस किए हैं सिंपल टिश्यूज़ दैट इज़ योर पैरन कायमा कॉलिन कायमा स्क्रन कायमा ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं इसके वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में हमने जाइलम एंड फ्लोएम डिस्कस किया था जाइलम एंड फ्लोएम ये भी हमने डिस्कस कर लिया है इसके वीडियोज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं द टिश्यू सिस्टम यानी कि इस टिशू सिस्टम को ही अभी कंटिन्यू कर रहे हैं हमने ऑर्गन में अभी जंप नहीं किया है तो द टिश्यू सिस्टम में आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे द इप्यूडर्मल टिश्यू सिस्टम एंड हम इसको करेंगे यानी कि जो स्टोमाटा है और इस ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को हम डिस्कस हमने किया था कल पैरन कायमा कॉलिन काया स्कलिन काया ये हमने डिस्कस कर लिया है आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम कुछ वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को लेकर करेंगे कल हमने सिर्फ जयलम एंड फ्लोएम डिस्कस किया था उसके वैस्कुलर बंडल किस टाइप के होते हैं उनको हम फर्दर डिस्कस करते हैं तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं जैसे कि आपने देखा था टिश्यू सिस्टम यानी कि इसमें आपके पास है क्या टिश्यू का सिस्टम जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर हम प्लांट्स की बात करें प्लांट्स की बात कर अगर हम करें तो प्लांट्स के केस में सेल है सेल विल मेक द टिश्यूज़ ऐसा एनिमल में भी होगा और टिश्यू क्या बनाएंगे टिश्यू मिलकर बनाएंगे टिश्यू सिस्टम टिश्यू सिस्टम ऐसा भी एनिमल में होगा टिश्यू सिस्टम मिलकर बनाते हैं ऑर्गन ये एनिमल में भी होगा लेकिन अब प्लांट्स अगर, अगर आप पढ़ रहे हैं तो प्लांट्स में ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम नहीं बनाकर डायरेक्टली अब एक प्लांट बना देगा यानी ऑर्गेनिज्म एज ए होल बनाएगा बट ये अगर एनिमल का अगर आप अगर पढ़ते तो एनिमल में ये ऑर्गन के बाद है ना ये ऑर्गन आया ऑर्गन के बाद आप ऑर्गन सिस्टम पढ़ते हैं ऑर्गन सिस्टम जैसे कि रिस्पायरेटरी सिस्टम रिप्रोडक्टिविथ स्क्रिटरी नर्वस तो ऑर्गन सिस्टम के बाद आप ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं, है ना तो यहाँ पर प्लांट के केस में क्या है ऑर्गन सिस्टम नहीं होता प्लांट के केस में ऑर्गन के बाद सीधा आप प्लांट पढ़ेंगे अब आप कहते हैं प्लांट का ऑर्गन क्या होता है प्लांट का ऑर्गन अगर जैसे कि आप कहते हैं रूट ये प्लांट का ऑर्गन है स्टेम प्लांट का ऑर्गन है एंड लीफ प्लांट के ऑर्गन से ठीक है अब इसी को इसी की एनाटॉमी हमें पढ़नी है अभी जो आप पढ़ने वाले हैं वो अभी कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं अभी आप पढ़ने वाले हैं द टिश्यू सिस्टम यानी कि आप इस टॉपिक को अभी आप डील कर रहे हैं टिश्यू सिस्टम इसके कुछ पॉइंट्स हमने कल के सेशन में क्लियर कर लिया है अगर हम इस टिशू सिस्टम में देखें तो एक मैं आपको एक ओवरऑल बताती हूँ कि टिशू सिस्टम हम करते क्या है क्या हमने कर लिया है जैसे कि आपके पास एक प्लान टिश्यू है ठीक है प्लांट टिश्यू है अब इस प्लांट टिश्यू को अगर आप देखेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ डिवीज़न। अगर इनके पास डिवीज़न की कैपेबिलिटी है तो इनको आप कहते हैं मैरिस्टमैटिक मैरिस्टमैटिक दे हैव कैपेबिलिटी ऑफ डिवीज़न। अब डिवीजन की प्रॉपर्टी जिनकी लॉस्ट हो चुकी है विच हैव लॉस्ट देर पावर ऑफ डिविजन इधर टेम्प्रोरी और परमानेंट उनको आप क्या कहेंगे उनको आप कहेंगे परमानेंट टिश्यूज यानी कि वो हो गए हैं परमानेंट यानी कि अब वो सेल डिविजन नहीं कर रहे हैं अब ये जो पर्मानेंट हैं अब इन परमानेंट को आपने देखा ये सिंपल भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं अब इस किस आधार पर है किस बेसिस पर है ये है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सेल्स तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेल दे कैन बी सिंपल और कंपाउंड अब सिंपल का मतलब होता है सिंगल यानी कि दे आर फॉर्म्ड बाई सिंगल टाइप ऑफ सेल और ये कंपाउंड क्या है फॉर्म्ड बाई मोर देन वन टाइप ऑफ सेल अब कंपाउंड में जैसे आप पढ़ते हैं जाइलम एंड फ्लोए इसको आपने बोला वैस्कुलर टिश्यूज़ अब जाइलम जाइलरी एलिमेंट से मिलकर बनता है अब जैसे जाइलम की बात करते हैं आप इसमें वैसल्स होंगे है ना ट्रैकिट्स होगा ट्रैकिट्स होंगे आपका जाइलम पैरन होगा जाइलम पैरन होगा जाइलम फाइबर होंगे इनको मिलाकर ये बनता है ठीक है उसके बाद फ्लोएम में भी आपने देखा कंपेनियन सेल सी सेल्स सीव ट्यूब सारा एल्ब्यूमिनस सेल्स फ्लोएम फाइबर फ्लोएम पैनल कईमा ये हमने जिम्नोस्पॉम एनजियोसपॉम को रिलेट करके ऑलरेडी पढ़ लिया है पूरे डिस्कशन किए हैं इसके सिंगल में जब हम पढ़ते हैं तो सिंगल में आपके आता है एक तो आता है ईपीडर्मल सेल ईपीडर्मल सेल जो कि ईपीडर्मिस बनाएगा और दूसरा आता है ग्राउंड टिश्यू ग्राउंड टिश्यू इसी ग्राउंड टिश्यू में क्या होते हैं पैरन कायमा कॉलेन कायमा स्क्लेरन कैमा आपके पास क्या आया पैरन कायमा कॉलन कैमा कॉलन कायमा एंड स्क्लेरन कैमा स्क्लेरन कायमा अब हमने कल क्या पढ़ा है कल हमने मेरिस्टमैटिक्स पढ़ लिए हैं कल हमने इस सिंपल में ग्राउंड टिश्यूज में पैरन कायमा कॉलिन कायमा स्क्रन कैमा के फीचर्स कर लिए हैं कल हमने इस वेस्कुलर टिश्यू को जाइलम एंड फ्लोइम को भी कर लिया है ठीक है आज हमारा ज़्यादातर डिस्कशन होने वाला है ईपी को लेकर एंड ये जो वैस्कुलर टिश्यू में इनकी अरेंजमेंट जो होती है वैस्कुलर टिश्यूज में वैस्कुलर बंडल को बनाने के लिए जैसे कॉन्जॉइंट कोलेट्रल रेडियल इसका मतलब क्या है वो हम डिस्कस करेंगे अब देखिए एनसीआरटी ने यही कहा है कि द टिश्यू सिस्टम अब देखें कि वी वेयर डिस्कसिंग टाइप ऑफ टिश्यूज बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट कैसा टाइप ऑफ सेल है लेट्स नाउ कंसिडर हाउ टिश्यूज डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन इन द प्लांट बॉडी प्लांट बॉडी में इनकी लोकेशन क्या है देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वुड ऑल्सो भी डिपेंडेंट ऑन लोकेशन अब जहां ये लोकेशन है इनकी जहां वो प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करेगा कि इनका स्ट्रक्चर क्या होगा और वो इनका फंक्शन क्या है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम देस आर दलम टिश्यू सिस्टम ग्राउंड और यू कैन से द फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर और यू कैन से द कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम यानी कि ये जो ई ग्राउंड टिश्यू एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम है ये किस आधार पर है तो एन कहती है कि बेस्ड ऑन यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन स्ट्रक्चर एंड लोकेशन के आधार पर है ना टिश्यू कितने टाइप के इसने डिवाइड किया टिश्यू को इसने तीन टाइप में डिवाइड किया है कौन कौन से एक इसने बोला है ईपीडर्मल टिश्यू सिस्टम ईपी डर्मल टिश्यू सिस्टम दूसरा इसने बोला है ग्राउंड टिश्यूज सिस्टम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड थर्ड है आपका वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम ठीक है किस आधार पर है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन अब एक ही करके डिस्कस करते हैं यहाँ पर सबसे पहले है ईपीडर्मल टिश्यू सिस्टम इपीडर्मल टिश्यू सिस्टम एज द टर्म सजेस्ट ये क्या बनाएगा इपीडर्मिस क्या बनाएगा ये इपीडर्मिस ई Epi का मतलब होता है एबव सबसे ऊपर यही लेयर होगी इपीडर्मिस टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी ठीक है आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी बनाएगा ये जिसमें क्या मिलेंगे आपको इपीडर्मल सेल्स एस्टोमाटा एंड द इीडर्मल अपेंडेजिस अब ये ईपी डरमल जो है ये कौन सा लेयर है ये आउटर मोस्ट लेयर है ये आउटर मोस्ट पार्ट बनाता है इट इज द आउटर मोस्ट लेयर सबसे बाहरी आउटर मोस्ट लेयर है ठीक है किसका किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी का अगर रूट की देखें तो रूट में भी ईपी स्टेम में भी ईपी लीफ में ईपी सब में ईपी आपको दिखेगा तो आउटर मोस्ट लेयर ये बनाएगा ठीक है क्या क्या इसमें आएंगे तो इसमें आ जाएंगे ईपी सेल्स ईपी डर्मल सेल्स भी इसमें आ जाएंगे इसमें आपका स्टोमाटा इस भी आ जाएगा स्टोमाटा भी आ जाएगा एंड इसमें ईपीडर्मल अपेंडेजिज भी आ जाएंगे अब ईपीडर्मल अपेंडेजिज क्या होते हैं इनको भी देखेंगे ईपीडर्मल अपेडिजिज ये क्या होते हैं अपेंडेजिज ठीक है अब हम पढ़ क्या रहे हैं ध्यान से देखिए हम पढ़ रहे हैं ईपीडर्मल टिश्यू सिस्टम तो ईपीडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या करता है सबसे बाहर का लेयर है ये आउटर मोस्ट लेयर है हर पार्ट का अगर हम रूट में देखें रूट की, शूट की, लीफ की एपिडर्मिस, तो एपिडर्मिस जो है वो उसमें क्या क्या आ जाएंगे तो सेल उसमें आ जाएगा इस्टोमाटा भी इपीडर्मल सेल में आता है एंड क्योंकि वो सर्फिस पे ही प्रेजेंट होता है या तो आउटर इपीडर्मिस या लोअर इपीडर्मिस या दोनों या दोनों में से कोई एक और ये है आपका इपिडर्मल अप अब ईपीडर्मल अपेंडिजिज का मतलब क्या है ईपीडरमल अपेंडिस का मतलब होता है कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बन रहे हैं जो ईपीडर्मिस के आउटग्रोथ है हैं मतलब एक तरह का आउटग्रोथ है इसी का एक्सटेंशन है आउटग्रोथ कह लें या एक्सटेंशंस कह लें या प्रोजेक्शंस कह लें प्रोजेक्शंस कह लें लेकिन ये ईपीडरमिस ही है जो कि आउटग्रोथ करके वो स्ट्रक्चर बनाया है

सबसे पहला फीचर इसका ये होगा कि ये आउटर मोस्ट लेयर है आउटर मोस्ट लेयर है ठीक है उसके बाद अगर आप देखें तो ये क्या है ये कॉम इलोंगेटेड सेल से बना होता है इलोंगेटेड सेल से ठीक है उसके बाद ये कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं कॉम्पैक्टली अरेंज यानी कि एक के और दूसरे सेल के बीच में स्पेस नहीं होगा कॉम्पैक्टली अरेंज्ड अब बात यह है कि इसको कॉम्पैक्टली अरेज होना भी चाहिए क्यों कॉम्पैक्टली अरेंज होना चाहिए क्योंकि इट इज़ गोइंग टू फॉर्म द आउटर लेयर आउटर कवरिंग अब किसी भी चीज की जो सबसे बाहरी कवरिंग होती है आपके घर की है जो सबसे बाहरी कवरिंग है वो तो बिल्कुल continuous होना चाहिए ना उसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए है ना अंदर आप कुछ भी डिजाइन बना ले, लेकिन बाहर बिल्कुल कंटिन्यूस होना चाहिए यानी कि गैप नहीं होना चाहिए कॉम्पैक्टली अरेंज होना चाहिए ठीक है वही हाल इसके साथ भी है उसके बाद ये क्या है कॉम्पैक्टली अरेज है और कंटिन्यूस लेयर बनाती है यानी कि देयर शुड नॉट बी एनी गैप कंटिन्यूस कोई गैप नहीं होगा ठीक है तो कंटिन्यूस का मतलब यही है कॉम्पैक्टली अरेज कोई स्पेस नहीं है कंटिन्यूस है विदाउट एनी गैप है ना ऐसा नहीं कि डिसकंटिन्यूस मैनर में हाइड्रोजीनियस मैनर में कि कहीं है कहीं नहीं है ऐसा नहीं होगा कंटिन्यूस प्रेजेंट रहेगा कंटिन्यूस ठीक है कंटिन्यूस लेयर है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसकी अब इपी इज यूजली सिंगल लेयर मेनली क्या होता है ये सिंगल लेयर्ड मेनली सिंगल लेयर्ड ठीक है इसको लिखकर आप मेनली लिख देंगे मतलब अधिकतर ज्यादातर ये सिंगल लेयर्ड ही रहेगा इपीडर्मल सेल्स आर काइमेटस विथ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्मिक लाइनिंग द सेल वॉल एंड अ लार्ज वैक्यूल अब ये किसका बना होता है इपीडर्मल सेल फॉर्मड ऑफ पैरनकाइमेटर सेल्स तो ये भी पैरनकाइमेटर सेल्स होगा कल भी हमने बताया था प्लांट में सबसे ज्यादा आपको मिलेगा वो मिलेगा पैरनकाइमा सेल्स तो फॉर्मड बाई पैरिनकाइमा सेल्स ठीक है तो ईपीडर्मिस में पैरकाइमा सेल्स का ही भी बना होता है जिसका क्या होता है जिसमें लार्ज आपके वैक्यूल होंगे द आउट साइड ऑफ द इपी इज ऑफन कवर्ड विद विधक्सी क्यूटिकल लेयर कॉल्ड द क्यूटिकल है ना तो अगर आप देखें तो इसके बाहरी लेयर में यानी कि ईपी का आउटर लेयर कितने पॉइंट्स आपके पास हो गए सिक्स सेवन पॉइंट चलते हैं 7th point क्या कहती कहती कि इसका आउटर जो कवरिंग है है ना यानी कि आउटर आउटर टू आउटर टू इपीडर इसमें क्या प्रेजेंट होगा क्यूटिकल इज प्रेजेंट क्यूटिकल और क्यूटिकल एक्चुअली होता क्या है क्यूटिकल एक वैक्सी आपने देखा होगा जो लीव्स होते हैं उनकी पत्तियाँ शाइन करती हैं और जब पानी भी अगर पड़े उसके ऊपर तो वो एब्जॉर्ब नहीं करती बल्कि पत्तियों ऊपर से पानी गिर जाता है है ना वो उनके वैक्सी लेयर की वजह से होता है तो उसको बोलते हैं हम क्यूटिकल ठीक है अब ये लीफ पे भी होगा स्टेम पे भी होगा लेकिन रूट पे नहीं होगा ये क्यूटिकल के लिए नोट पॉइंट लिख लेंगे आप क्यूटिकल के लिए कि नोट करके लिख लेंगे नोट ठीक है कि क्यूटिकल क्यूटिकल के लिए है ये क्यूटिकल इज ठीक है रूट में क्यूटिकल नहीं होगा एबसेंट होगा स्टेम में क्यूटिकल होगा एंड लीफ में भी क्यूटिकल होता है आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी ये नोट वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है रूट में क्यों नहीं होगा क्योंकि रूट में इसको वाटर को एब्जॉर्ब करना है और क्यूटिकल वैक्सी लेयर है तो वाटर को रिपेल करेगा ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है तो वाटर को एब्जॉर्ब कैसे कर पाएगा रूट ठीक है कि रूट में रूट हेयर्स होते हैं इसी की वजह से रूट पे क्यूटिकल नहीं होता ठीक है चलिए और इसी की वजह से स्टोम

एस्टोमाटा आर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द ऑफ इपीडर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्टोमाटा होगा ये एट्थ पॉइंट है एस्टोमाटा इज प्रेजेंट एस्टोमाटा इज प्रेजेंट ये प्रेजेंट होता है इपिडर्मिस ऑफ लीव्स में इज प्रेजेंट इन ईपिडर्मिस ऑफ लीवस ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इपीडर्मिस ऑफ लीवस ठीक है लीव ना अब देखिए आप क्या कहती है एनसीआर एस्टोमाटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज वही इस्टोमाटा को तुम जानते ही हैं कि वो गैसियस एक्सचेंज और वाटर ट्रांसपीरेशन करता है ईच स्टोमाटा इज कम्पोज ऑफ टू बीन शेप्ड दैट इज गार्ड सेल्स ठीक है अब देखिए इस की के स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे ना तो ये देखिए ये आपके पास एक दिख रहा होगा स्ट्रक्चर जैसे ये देखिए ये आपको गार्ड सेल कुछ दिख रहा है यहाँ पर ये गार्ड सेल ठीक है ये जो गार्ड सेल दिख रहा है ये बीन शेप्ड है यानी कि यहां पर अगर आप देखें तो सबसे पहली चीज ये क्या है ये है गार्ड सेल्स ठीक गार्ड सेल इसको क्योंकि एस्टोमाटा के इस, इस, इस स्ट्रक्चर को आप कहते हैं ये जो बीच में है इसको आप कहते हैं पोर स्टोमाटा पोर या स्टोमा ठीक है इस इसको स्टोमाटल इस पोर कहते हैं या स्टोमा कहते हैं ये जो सेल्स है बाहर की तरफ इसको आप बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स देखिए लिखा भी हुआ है मुझे अलग से लिखने की जरूरत भी नहीं है यहां पर देखिए सब्सिडरी सेल्स है है ना ये सब्सिडरी सेल्स हैं ये ईपीडर्मल सेल्स हैं यहाँ पर अगर आप देखें तो गार्ड सेल में क्या है तो गार्ड सेल में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है देख पा रहे हैं आप यह कलर चेंज कर दें रुकिए यहाँ देखिए यहाँ आप डार्क ग्रीन डार्क ग्रीन देख पा रहे होंगे ये क्लोरोप्लास्ट है एक गार्ड सेल ही ऐसा है ईपीडर्मल सेल का जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है लेकिन किसी भी ईपीडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता मैंने क्या बोला अभी देखते हैं मैंने ये बोला आपको देखिए सबसे पहली चीज ये गार्ड सेल है किसका है गार्ड सेल इज बीन शेप्ड अगर इसका शेप देखिए तो ये कैसा है किडनी शेप्ड बीन शेप्ड कह लें या किडनी शेप्ड कह लें जो स्वैब आप खाते हो ना राजमा खाते हो ना बीन्स तो उसके जैसा होता है या किडनी शेप्ड कह लें ठीक है या तो आप किडनी शेप्ड कह लें ये होता है किसमें डाइकॉट में डाइकॉट में. में लेकिन अगर आप मोनोकॉट में देखें अगर गार्ड सेल को आप देखें गार्ड सेल को ठीक है तो ये कैसा होता है डम्बेल शिफ्ट डम बेल शिफ्ट ये डम्बेल शिफ्ट होता है देख पा रहे हैं ये डम्बेल शिफ्ट जो आप इस तरह से देख पा रहे हैं आप डम्बेल जो करते हैं ना अपने उसमें देखा होगा देखिए ये है डम्बेल शिफ्ट ठीक है अब गार्ड सेल डम्बेल शिफ्ट का होगा कहाँ पर मोनोकोट में तो ये एक डिफरेंस आया एक डिफरेंस आया और आपको नोट करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं नोट करने के लिए क्या पॉइंट है सबसे पहला चीज नोट ठीक है नोट वन ठीक इट इज ओनली ठीक है ओनली गार्ड सेल ऑफ इपीडर्मल सेल्स ऑफ इपीडर्मल टिश्यू या आप लिख सकते हैं ऑफ इपीडर्मिस विच हैव क्लोरोप्लास्ट जिसके पास क्या है क्लोरोप्लास्ट है बाकी किसी भी एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता पहली चीज़ दूसरी चीज शेप आपने देखा ठीक है कि डाइकॉट में और मोनोकॉट में गार्ड सेल का शेप अलग अलग है डाइकॉट में बीन शेप्ड है या किडनी शेप्ड है लेकिन मोनोकॉट में डम्बल शेप्ड है दूसरी चीज़ दूसरा नोट पॉइंट है ये सब कुछ यानी कि एस्टोमाटल पोर जिसको आपने कहा स्टोमा प्लस गार्ड सेल प्लस गार्ड सेल चाहे जो भी शेप हो जिस भी मोनोकोट डाइकोट का देख रहे हो उसके बाद आपने देखा सब्सिडरी सेल्सिडरी सेल्स ठीक है जो गार्ड सेल को सराउंड करके हैं सब्सिडियरी सेल्स ठीक सब्सिडरी सेल्स तो अगर आप देखें तो ये सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं ये सारे स्ट्रक्चर्स को मिलाकर हम कहते हैं स्टोमार्टल अपरेटस ये क्या है टल अपरेटस स्टोमैटल ठीक है इसको कंफ्यूज नहीं करें ये अपर्चर है अपर्चर का मतलब ओपनिंग है अपर्चर का मतलब ओपनिंग होता है यहां हमने आपको अपरेटस बोला है अपर्चर नहीं बोला अपरेटस का मतलब टोटल मिलाकर बोला जा रहा है ठीक है देखिए आपके एनसीआरटी क्या कहती है ईच इच इज कंपोज ऑफ टू बीन शेप्ड सेल्स कॉल्ड गॉड सेल्स इन इन यानी यानी कि कि क्या क्या है 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 तो देखिए में में जो guard cell है वो गोकॉट शेप्ड होता है आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल अवे फ्रॉम द एस्टोमेटल पोर आर एंड इनर वॉल्स टूवर्ड पोर आर हाईली थिकेंड ये क्या कह रहा है ये लाएं? ये लाएं ये कह रहा है कि अगर आप एस्टोमाटा को देखेंगे तो जो अंदर की तरफ है ये वाला लाइन मैं ब्लैक कलर से लेती हूँ या डार्क कलर से ताकि आप आराम से बता सकें देखिए ये जो लाइनिंग है ठीक है ये और अगर आप डम्बेल में देखें तो ये लाइनिंग जहाँ पे डार्क ग्रीन किया हुआ है ऑलरेडी ये पता है क्या होते हैं ये थोड़े से थिक होते हैं ठीक अब अब अगर आप देखें कि भाई थिक क्यों होता है एज कम्पेयर टू ये आउटर लेयर ये तो थिन है ये लेयर क्या है थिन है लेकिन अंदर की ये जो लेयर है ये क्या है थिक है ये लेयर थिक इसलिए होती है क्योंकि देखिए मान लीजिए ये गार्ड सेल है ठीक है ये क्या है गार्ड सेल है मैंने एक बनाया है गार्ड सेल ठीक है अब जब ये वाटर इसको यहाँ पर ठीक होना पड़ेगा क्यों क्योंकि अगर ये वाटर एब्जॉर्ब करता है तो ये गार्ड सेल क्या हो जाएगा वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या हो जाएगा टर्जिड हो जाएगा टर्जिड का मतलब होता है फूलना स्वेल करना ठीक है टर्जिड हो जाएगा तो सेल बिल्कुल टाइट हो जाएगा अब टाइट हो जाएगा तो इसके एक्स्ट्रा प्रेशर को बियर करने के लिए अब देखिए कर्व बहुत कम कहाँ है यहाँ है यहाँ बहुत कम है लेकिन बाहर की तरफ तो कर्व ज्यादा है तो बाहर इसका सरफेस एरिया ज्यादा है लेकिन यहाँ क्या है सरफेस एरिया बहुत कम है तो बहुत कम में इसको ज्यादा प्रेशर बियर करना पड़ेगा इसकी वजह से इसकी अंदर की जो वॉल होती है वो मोटी होती है थिक होती है टू बियर द एक्स्ट्रा प्रेशर आई थिंक अब आपको समझ में आ गई होगी ठीक है जबकि इट सेल बिकम्स टर्जिट तो ये जो टर्गर प्रेशर जो बियर करेगा ये इनर का सेल क्या होता है ये इनर लेयर जो होगा वो थिक होगा क्योंकि कर्व यहाँ कम है ना सरफेस एरिया कम है ठीक है अगर उतनी ही पतली लेयर होगी तो ये फटने का चांस है बाहर कर्व ज्यादा है बाहर सरफेस एरिया ज्यादा है बाहर सरफेस एरिया ज्यादा है तो वो बियर कर लेगा प्रेशर को लेकिन अंदर कम है तो इसको ठीक होना पड़ेगा तो इसी की वजह से ये लाइन लिखी हुई है अब आई थिंक आपको समझ में बात आ गई होगी चलिए नाउ द गार्ड सेल प्रोजेस क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्यू एपिडर्मल सेल्स इन द द ऑफ गार्ड सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड इन देयर शेप एंड साइज एंड आर नोन एज सब्सिडरी सेल्स हमने देखा दर्चर किसको बोलते हैं ओपनिंग है वो यानी गार्ड सेल्स एंड सब्सिडरी सेल्स इन तीनों को मिलाकर आपने क्या बोला था एस्टोमाटल अपरेटर्स देखिए आपने क्या बोला था इसे स्टोमा यानी कि वो ओपनिंग ठीक है उसके बाद गार्ड सेल्स एंड सब्सिडरी सेल्स तीनों को मिलाकर आपने क्या बोला डन आई थिंक यहाँ से किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगी ठीक है अगर कोई होती है तो आप कमेंट सेक्शन का बिल्कुल यूज करें ये क्लासेस देखिए आपके लिए है ना ये सिर्फ आपको ये करके पढ़ाया जा रहा है कि जहाँ भी जिन बच्चों को जो बहुत दूर नहीं जा सकते जो अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट तो उनके लिए मेरी तरफ से एक बस एक छोटी सी कोशिश है कि कहीं ना कहीं तो मैं पढ़ाती हूँ तो आपको क्यों ना इस प्लेटफॉर्म पे एक एनसीईआरटी को एक अच्छा सा टच दिया जाए ताकि जो बच्चे नहीं मिल पाता जिनको उन तक भी ये चीज़ें रिसोर्सेज पहुंच पाएँ तो अगर आपके नॉलेज में कोई ऐसा बच्चा है जिसको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बट उसे नहीं पता है तो प्लीज़ इस उसको उस बच्चे तक ये शेयर ज़रूर करें और चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें पुराने अगर बच्चे आप हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा इतनी तो उम्मीद है ही लाइक आप नहीं करते आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आपका हम हमें बताने का तरीका क्या है या तो आप कमेंट कर सकते हैं लाइक करेंगे है ना तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें ताकि मुझे पता चले कि एक्चुअली मेरी जो कोशिश है क्योंकि इससे हमें होता क्या है हमें ना एनर्जी मिलती है नेक्स्ट क्लास करने को ऐसा लगता है कि चलो दिन नहीं टालते हैं दो दिन गैप क्यों करें चलो आज के डेट में फिर बना लेते हैं तो एक कंटिन्यूटी से बनी रहती है क्योंकि हमें भी अंदर से ना एक एनर्जी चाहिए तो ये लाइक देख कर सब्सक्रिप्शन को बढ़ता हुआ देख कर है ना कुछ कमेंट्स देख कर हमें भी अंदर से ना प्रोत्साहन मिलता है तो इसलिए हम भी अपने बैठ जाते हैं अपना रिकॉर्डिंग करने ठीक है बस यही कोशिश है आपके लिए।, को क्लियर किया था। आपके लिए मैं एक थोड़ा मैग्निफाइड है बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड है थोड़ा नहीं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये स्टोमाटा कौन सी किस कंडीशन में है ये स्टोमाटा ओपन कंडीशन में है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्लोज कंडीशन में आप ये ये स्टोमाटा क्लोज कंडीशन में है ना तो जब इस टोमाटा ओपन होता है एंड क्लोज होता है तो यही इस इसी ओपनिंग एंड क्लोजिंग के थ्रू ये क्या करता है गैसियस गा� एक्सचेंज में हेल्प करता है ये है हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज एक्सचेंज ठीक है देखिए हमारे पास नाक है ना नॉस्ट्रिल्स है ना तो ये नॉस्ट्रिल तो के के थ्रू हम क्या करते हैं हम गैस को लेते भी हैं और रिलीज भी करते हैं तो एक तरह से हमारा जो नॉस्ट्रिल ना। है वो हमारा क्या करता है गैसियस एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है उसी तरह प्लांट के पास भी तो सीओ टू चाहिए फूड बनाने के लिए जब फूड बना लेंगे तो इनका भी तो ओ टू निकलता है इनका भी वाटर वेपर निकलेगा वो कहां से निकलेगा एस्टोमाटा से निकलता है तो इसी एस्टोमाटा से ही क्या निकलेगा इनका वाटर वेपर के फॉर्म में निकलता है आपका ऑक्सीजन रिलीज होता है ठीक है तो इसको आप बोलते हो ट्रांसपिरेशन ठीक ना अब यहां पर अगर हम देखें कि हमने बोला था कि द सेल्स ऑफ इपीडर्मस है ना हमने बोला था कि द सेल्स ऑफ इपीडर्मिस बी अ नंबर ऑफ हेयर्स यानी कि हमने ये बोला था कि जो ईपी के सेल्स हैं उनकी आउटग्रोथ होती है प्रोजेक्शंस होते हैं यह एन सी में लिखा हुआ है और वो किस फॉर्म में है तो रूट हेयर्स एंड ट्राइकोम्स के फॉर्म में है तो अगर हम देखें कि ये जो ई डर्मल सेल्स हैं ईपी डर्मल सेल्स हैं इनके प्रोजेक्शंस हैं इनके क्या है इनके प्रोजेक्शंस हैं यानी कि आउटग्रोथ है प्रोजेक्शंस है, है ये एन की लाइन है ये किस फॉर्म में है ये किस फॉर्म में है इज इन दम ऑफ ठीक है या तो ये है या तो ये है हेयर के फॉर्म में या तो ये है ट्राइकोम के फॉर्म में ट्राइकोम के फॉर्म में ठीक है अब ये हेयर क्या है और ट्राइकोम क्या है ये देखिए अगर आप हेयर को कहें तो ये सबसे पहली चीज अगर ये हेयर है ठीक है तो ये क्या होगा यूनी सेलुलर होगा यूनी सेलुलर होगा ठीक ट्राइकोम्स अगर ये है तो ट्राइकोम्स, ट्राइकोम्स जनरली क्या होते हैं मल्टी सेलर पहला डिफरेंस ठीक अगर ये हेयर है ठीक तो यहां पर अगर, अगर आप देखेंगे कि ये जनरली क्या करेगा जैसे कि रूट का हेयर है अगर आप देखिए स्टेम के ऊपर भी हेयर है तो ये क्या करेगा जनरली एबजॉर्प्शन में हेल्प करता है जैसे कि मान लीजिए रूट हेयर है ठीक है जो ये क्या कर रहा है ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है वाटर मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है लेकिन अगर ये ट्राइकोम है तो ट्राईकोम कभी भी रूट पर प्रेजेंट नहीं होगा ट्राईकोम कहा होगा ट्राईकोम आपके स्टेम पर प्रेजेंट होगा ये देखिए और ये ट्राईकोम जो है ये ब्रांच भी हो सकता है ब्रांच भी हो सकता है अनब्रांच भी हो सकता है अनब्रांच भी हो सकता है यहां देखिए ये अनब्रांच्ड है और यहां देखिए ये ब्रांच्ड है देख पा रहे हैं आप इसको बहुत जूम स्ट्रक्चर दिखाया गया आपको अब ये क्या करता है कि आप उसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर को ट्राईकोम कब बोलेंगे वेन इट स्टार्ट टू सीक्रेट समथिंग तो जब वैन इट स्टार्ट्स इट स्टार्ट्स टू सिक्रीट समथिंग टू सिक्रीट समथिंग एंड दैट समथिंग कैन बी ये जो समथिंग है कैन बी एसिड हो सकता है कुछ इरिटेंट्स हो सकते हैं जैसे आपने बहुत बार देखा होगा आप कुछ पौधे को छूते हैं तो आपको छूते ही आपको खुजली मचने लगती है इसका मतलब और उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी होता है इसका मतलब उसने कुछ ऐसे एसिड्स या इरिटेंट्स इिटेंट्स करके रखा है जिसकी वजह से आप वो चाहता है कि आप उसको ना आप उसको ना तोड़ें ग्रेजिंग एनिमल उसको ना ग्रेज करें वो बचा रहे तो उसकी वजह से वो ट्राइकोम जो है उसकी इपीडर्मल इलाशन ही है ज्यादातर मल्टी सेलर होती है जब वो सीक्रेट कुछ करने लगेगा तो उसको आप ट्राइकोम बोलेंगे अगर वो सिक्रेट नहीं करेगा तो आप उसको हेयर बोलेंगे आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी चलते हैं देखिए द सेल्स ऑफ इपीडर्मिट बी आर ए नंबर ऑफ हेयर इलोंगेशन ऑफ इपीडर्मल्स एंड हेल्प एब्सॉर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोल ठीक है ऑन द स्टेमल हेयर आर कॉर्ड ट्राईकोम इसलिए मैंने बोला ट्राईकोम कभी भी रूट में नहीं प्रेजेंट होगा स्टेम में प्रेजेंट होगा द ट्राइकोम इन द शूट सिस्टम आर यूजली मल्टी सेलर कैसा होगा मल्टी सेलर होगा दे मे बी ब्रांच और अनब्रांच देखिये ब्रांच भी हो सकता है अनब्रांच भी हो सकता है आपके पास दोनों डायग्राम भी है एंड सॉफ्ट और स्टिफ सॉफ्ट भी हो सकता है जैसे आप ये देख पा रहे सॉफ्ट है लेकिन ये क्या है जो हेयर था वो सिक्रीट नहीं कर रहा था लेकिन ये सिक्रीट करेगा दाइकोम हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपीरेशन ये वॉटर लॉस जो होता है उसको प्रिवेंट करता है मतलब उसको रोकता है तो आई थिंक आपको हेयर एंड जो ट्राइकोम है इसका डिफरेंस समझ में आ गया होगा अब देखते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हमने पढ़ा था कल ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट ईपी एंड वैस्कुलर बंडल्स देखिए आपको कहाँ बताया गया था जब हमने क्लास स्टार्ट किया था तो आपको मैंने कुछ बताया था यहां पर देखिए अगर हम यहाँ पर आए तो आपको बोला कि परमानेंट में अगर आप देखें तो ये तो था ई ठीक है और ये था आपका वैस्कुलर टिश्यू अब ईपी और वैस्कुलर टिश्यू को छोड़कर कौन बचा ग्राउंड टिश्यू यानी कि हम कह सकते हैं कि ईपी एंड वैस्कुलर को छोड़कर जो बचेगा वो है ग्राउंड टिश्यू यही आपको ये स्टेटमेंट कहती है कहाँ गए एक सेकेंड यहाँ पर देखिए सो ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट इपीडर्मिस एंड वेस्कुलर कंस्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम यही कह रही है एनसीआरटी आपको ठीक है चलिए नाउ सी इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यूज सच एज एस पैरकाइमा कॉलेनकाइमानकाइमा इसके एक एक बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है पैरेंकाइमा सेल्स आर यूजली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स पेरिसाइकिल रीज

आपने अब देखोगे जब आप एनाटॉमी हम पढ़ेंगे रूट स्टेम लीव्स की पूरी इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तभी हम देखेंगे पैरनकाइमा लगभग हर जगह मिलेगा आपको आपको ये कॉटेक्स जब हम डिस्कस करेंगे अगेन ये आपको मिल जाएगा ठीक है आपको पेरीसाइकल डिस्कस किया जाएगा उसमें भी मिल जाएगा आपको पिथ बताया जाएगा उसमें भी मिल जाएगा ठीक है आपको मेडुलरी रे बताए जाएंगे जो लेट्रल कंडक्शन में हेल्प करता है इसमें भी आपको मिल जाएंगे तो कहने का मतलब लगभग हर जगह आपको कौन मिलेगा पैरन काइमा पैरन ठीक है चलिए और और में 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 एक और, leaves के के में एक चीज के केस हम हम को दूसरा नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं जिसको कहते कभी भी आप stem में नहीं करेंगे सिर्फ और सिर्फ हम करते हैं सिर्फ सिर्फ और लीव के केस में जो होते हैं ये जब हम एनाटॉमी डिस्कस करेंगे फिर हम डिस्कस करेंगे आज सारे बच्चों को बहुत कंफ्यूज लगता है कि आखिर ये है क्या इसको समझे कैसे और वो इधर का उधर आंसर दे देते हैं द वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में एक्चुअली ये इस पूरे डायग्राम में ये बताया ये गया है कि जाइलम एंड फ्लोएम किस तरीके से अरेंज होंगे तो उनका नाम क्या है ध्यान से देखिए इतनी बड़ी पैराग्राफ है पूरे पैराग्राफ में सिर्फ एक ही चीज बताई गई है देखिए आपको सिर्फ यही चीज पता चलेगा अगर आप इस पूरे डायग्राम को देखें तो देखिए ये क्या है जो ग्रीन कलर से हमने बताया वो क्या है जाइलम है ठीक है आपको लिख देते हैं देखिए जो ग्रीन कलर से हमने बताया है ये क्या है जाइलम है ठीक तो हर जगह पहले तो ग्रीन कलर से आप जाइलम लिख लीजिए ठीक है क्या है ये जाइलम है ठीक है बीच में यहां जाइलम और यहां देखिए यहां जाइलम ठीक है यहां भी जाइलम यहां भी जाइलम यहां भी जाइलम जो येलो कलर से दिया गया है येलो कलर वाला क्या है येलो कलर वाला है आपका फ्लोएम तो ये क्या है फ्लोएम 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 जहां भी येलो है वहां आप फ्लोएम लिख लेंगे अब एक बात एक बार ही में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा इसलिए आपके लिए इजी डायग्राम लेकर आए है, है ना क्योंकि पैराग्राफ में आप ना सिर्फ रटेंगे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो आप नहीं कर पाओगे दिक्कत होगी आपको देखिए अगर आप यहाँ देखें तो इस फर्स्ट डायग्राम में क्या है देखिए ये इस डायग्राम का नाम मान लीजिए हमने रख दिया फर्स्ट हम डायग्राम का नाम भी रख देते हैं ठीक है ठीके? ताकि हम आसानी से डिस्कस कर सके ये देखिए ये डायग्राम है फर्स्ट ये डायग्राम है सेकेंड ये डायग्राम है थर्ड ठीक ये डायग्राम है फोर्थ डायग्राम है फिफ्थ और ये है सिक्स अब चलते हैं एक एक करके डिस्कस करते हैं चलिए बताइए फर्स्ट डायग्राम में आपने क्या देखा डायग्राम नंबर वन फर्स्ट डायग्राम में क्या देखा फर्स्ट डायग्राम में देखा कि जाइलम एंड फ्लोएम है यानी कि फर्स्ट डायग्राम में आपने देखा कि इस तरह से जाइलम एंड फ्लोएम है ठीक है और कोई कैम्बियम यहां दिखाया गया है आपको नहीं दिखाया गया है और दोनों जाइलम एंड फ्लोएम क्या है दोनों एक ही साथ है, है ना एक ही रेडियस पर लाई करेंगे ना अलग अलग रेडियस पर तो नहीं है तो इनको आप कहेंगे कि ये क्या है ये सबसे पहली चीज तो ये को लेटरल है ठीक है को लेटरल है ठीक है और ये क्या है चूंकि यहां पर कैम्बियम एबसेंट है कैम्बियम नहीं है तो ये क्या हो जाएगा क्लोज ठीक है अब चलिए दूसरा देखिए सेकेंड सेकेंड में क्या आपने देखा सेकेंड में आपने देखा कि जाइलम भी है फ्लोएम भी है और दोनों के बीच में यहां पर देखिए दोनों के बीच में आपने देखा कैम्बियम भी है क्या यहां पर देख पा रहे हैं पिंक कलर से यहां पर दिखाया गया है ये कैम्बियम भी है कैम्बियम भी है ठीक है प्रो कैम्बियम पहले का कैम्बियम ठीक है जो फर्स्ट फॉर्म कैम्बियम है इसलिए लिखा हुआ है अब इसमें कैम्बियम है कैम्बियम प्रेजेंट है तो ये हमेशा कैसा हो जाएगा ओपन होगा अब चूंकि दोनों जाइलम एंड फ्लोम एक ही रेडियस में आ रहे हैं ना इनको आप कह रहे हैं है तो कोलैट्रल तो है पहला वाला क्या था क्लोज था क्योंकि कैम्बियम नहीं था ये क्या है ओपन है क्योंकि कैम्बियम है ठीक चलिए सेकंड भी समझ में आ गया आपको बहुत बढ़िया थर्ड देखिए थर्ड में क्या है थर्ड में आपने देखा कि ये वैस्कुलर बंडल इसमें बीच में आपने देखा कि जाइलम है और जाइलम को आपने देखा कि ये सैंडविच्ड है है ना तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये फ्लोएम दोनों तरफ से जैसे ब्रेड का सैंडविच बनाते हैं ना बीच में कुछ डालते हैं अब बीच में जो भी हमने डाला चीज मान लो डाल दिया आपने तो ऊपर नीचे दोनों तरफ ब्रेड डाल दिया तो चीज क्या हो गई चीज की सैंडविच बन गई यहाँ पर जाइलम बेचारा सैंडविच बन गया है अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो जाइलम सैंडविच बन गया है और कभी भी फ्लोएम सैंडविच नहीं बनेगा जाइलम ही सैंडविच बनेगा ठीक है तो यहाँ पर इसको आप क्या बोलोगे आप बोलोगे बाई को अब ये लेटर नहीं है बाई है क्योंकि दोनों तरफ क्या है में ठीक है थीके? तो इसको आप कर देंगे बाई, दे है, बाई I think ये बात समझ में आ गई आपको को और अब कभी दिक्कत भी नहीं होगी अब तीन आप समझ गए चलिए फोर्थ देखते हैं फोर्थ क्या है फोर्थ वाला क्या ही वो देखें फोर्थ में आपने देखा फोर्थ डायग्राम में ठीक है फोर्थ में क्या है अब देखिए बीच में सेंटर में क्या है जाइलम है देख पा रहे हैं आप और बाहर की तरफ पूरा घेरा हुआ है फ्लोएम 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 एवरीवर सब जगह फ्लोएम घिरा हुआ है ठीक है तो ऐसे कंडीशन को आप तो एक तो बोलेंगे एम्फी बोथ द साइड में है ना यानी कि इस साइड भी है इस साइड भी है तो एम्फी लगाते हैं हम बोथ साइड के लिए एम्फी लगा देंगे लेकिन यहाँ पर एम्फी कौन है एम्फी क्राइबल आप लिखेंगे एम्फी क्राइबल एम्फी क्राइबल का मतलब हो गया कि चारों तरफ फ्लोएम है बीच में जाइलम है चलिए बहुत बढ़िया फिफ्थ देखिए फिफ्थ इसका ठीक उल्टा है अब आ गया फ्लोएम बेचारा बीच में और जाइलम ने इसको घेर लिया ठीक है तो अब क्या टर्म एक ही रहेगा नहीं अब हम क्या बोलेंगे एम्फी तो लिखेंगे लेकिन एम्फी के साथ क्या आ जाएगा वैसल ठीक है एम्फी फी वैसल तो एम्फी फी वैसल का मतलब फ्लोएम बीच में है और इसको जाइलम ने घेर लिया बहुत बढ़िया सिक्स अब देखें सिक्स में आपने बिल्कुल अलग तरह का देखा है सिक्स में क्या होता है सिक्स एक तरह से इसको हम बोलते हैं रेडियल इसको हम क्या बोलते हैं रेडियल रेडियल का मतलब ये दोनों के दोनों जाइलम एंड फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर लाई कर रहे हैं जैसे ये मान लीजिए ठीक है तो यहाँ पर अगर जाइलम है ठीक है तो यहाँ फ्लोएम है यहाँ जाइलम है तो यहाँ फ्लोएम है यहाँ जाइलम है तो यहाँ फ्लोएम है यानी कि अगर हम यहाँ से रेडियस देखें तो एक रेडियस को अगर हम देखें तो कोई एक ही आएगा यहाँ से देखें तो कोई एक ही आएगा इसको हम क्या बोलते हैं रेडियल जो सिंपल लिखा हुआ एक्चुअली है क्या रेडियल तो आई थिंक अब आपको ये बात समझ में आ जाएगी अब आप अपनी एनसीईआरटी बुक देखें देखिए क्या लिखता है एनसीईआरटी

वैस्कुलर बंडल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम पोज द एबिलिटी टू फॉर्म द सेकेंडरी फलोयम एंड कॉल्ड ओपन वैस्कुलर बंडल और कैम्बियम है तो हम क्या कहेंगे ओपन हमने अभी देखा था इन मोनोकॉट्स द वैस्कुलर बंडल्स है मोनोकॉट्स में कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ होती ही नहीं है वेन जयलेमन फ्लोएम विद तीन वैस्कुलर बंडल आर अरेज इन एन अल्टरनेट मैनर ऑन डिफरेंट रेडाई देख पा रहे द अरेंजमेंट इज कॉल्ड रेडियल जैसे कि हम भी आपने हम, दिखाया था है ना यहाँ पर आपने क्या बोला था radial. बढ़िया. Such as in roots. रेडियल बढ़िया सच एज इन रूट ज्यादा रेडियल कहा मिलेगा आपको रूट्स में इन कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल्स द जाइलम एंड फ्लोएम आर सिचुएटेड एट द सेम ऑफ वैस्कुलर बंडल्स सच वैस्कुलर बंडल्स आर कॉमन इन स्टेम्स एंड लीव्स द द्वाइंट वैस्कुलर बंडल्स हैव द फ्लोएम लोकेटेड ओनली ऑन द आउटर साइड ऑफ द जाइलम ये हमने अभी देखा था है ना जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर जो भी हमने डायग्राम देखा तो आई थिंक अब आप एक बार एन सी आर टी का देख लें एक बार झलक देखें एन सी आर टी में हमने क्या क्या आज डिस्कस किया एन सी आर टी में हमने स्टार्ट किया था द टिश्यू सिस्टम से हमने द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम डिस्कस किया इसमें हमने इस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखा उसके बाद हमने ग्राउंड टिश्यू में हमने इसके इस पूरे वैस्कुलर बंडल्स के टाइप्स को देखा है जो नेक्स्ट क्लास हमारी आएगी उसमें हम प्रॉपर इसके ऑर्गन्स को स्टार्ट कर देंगे यानी कि आपका एनाटॉमी ऑफ रूट स्टेम एंड लीव्स प्रॉपर लेकर तैयार कर देंगे ठीक है तो होप सो आपको ये क्लासेस समझ में आती हैं पसंद भी आता है अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप बिल्कुल इस कमेंट सेक्शन का यूज़ करें और बताएं कि आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं है ना बिल्कुल अच्छी लगती है एन हम इसमें डिस्कस करते हैं और सिर्फ एन को लेते हैं लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए समझाने के लिए हम थोड़े से बाहर का सहारा लेते हैं ताकि आपको एन सी फॉर्म में अच्छे से समझ में आए ठीक है अगर मैं एन की बुक लाऊँ और इसको ऐसे रीड कर दूँ तो कुछ फ़ायदा नहीं है इसका है ना जब तक मैं ये अब ये डायग्राम क्या हो गया आपको ईजी समझ आ गया अब आपको इसको भूलेंगे भी नहीं समझने में भी, भी आसानी है हल्का सा दस मिनट का अगर आप एक रिवीजन ले लेंगे तो आप टेस्ट के लिए तैयार हैं ठीक है थेके? वही हमारी कोशिश है और कमेंट सेक्शन में एक चीज़ आपसे पूछना था क्या मैं इस चैप्टर की एम सी या पहले मैं चैप्टर पहले कर लूँ अगर आपको एम चाहिए तो आप पहले बताइएगा हम हम एम भी लाएंगे और यहाँ तक कि अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए तो आप प्रॉपर लाइव क्लासेस के बारे में बताइएगा कि हाँ लाइव क्लासेस भी चाहिए और मुझे एक प्रेफरेबल अपनी टाइम बता दीजिएगा क्योंकि मुझे पता नहीं चलता है कि आप लोग ये आ, मेरे सेशंस कहाँ कहाँ से देखते हैं और एक रिक्वेस्ट है आपसे आप, आप जहाँ से भी वीडियोज़ देखते हैं है ना अपने लोकेशन ज़रूर बताएँ कि आप कहाँ से देखते हैं एटलीस्ट स्टेट का नाम कंट्री का नाम वो तो बता ही सकते हैं ठीक है तो वो ज़रूर बताएं मुझे अच्छा लगेगा देखकर कि कहाँ कहाँ से बच्चे मेरे वीडियोस को देखते हैं मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में तब तो तक टेक केयर एंड बाय बाय